दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक F-16 जमीन पर सटीक वार, आसमान में घातक प्रहार। लेकिन अब यही F-16 भारत के खिलाफ अमेरिकी गद्दारी का सबूत बन गया है। भारत के तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को देकर ही रहेगा। इस बचकाने फैसले के लिए अमेरिकी दलीलें भी उतनी ही बचकानी है। अमेरिका को लगता है कि F-16 विमान आतंक से लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का भ्रम आने वाला वक्त खुद ही तोड़ेगा। क्या F-16 लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान आतंकी कैंप तबाह करेगा? नहीं। क्या F-16 लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान आतंकियों को निशाना बनाएगा? नहीं। क्या F-16 लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान हाफिज सईद या मसूद अजहर को कमजोर करेगा? नहीं। लेकिन आतंक पीड़ित होने का नाटक करने वाला पाकिस्तान अमेरिका को झांसा देकर F-16 विमान हासिल करने में कामयाब रहा है। ये डील भारत के लिए बड़ी चेतावनी है। पाकिस्तान के साथ ही अब सवाल अमेरिका पर भी है। भारत के हितों को नजरअंदाज करने वाला अमेरिका भारत का कितना साथ देगा, ये इस डील ने साफ कर दिया है। भारत का मुकाबला अब दुनिया भर को बेवकूफ बनाने वाले पाकिस्तान और खुद को दुनिया भर का दादा समझने वाले अमेरिका की दोहरी नीति से है। देखिए दो मुहा पाकिस्तान, सावधान हिंदुस्तान। खबरों में खास में बात आज इसी दो मुहे पाकिस्तान की। एक तरफ पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है तो दूसरी तरफ उसने पीड़ित बनकर अमेरिका से भीख में F-16 लड़ाकू विमान हासिल करने की तैयारी कर दी है। जी हां, खतरनाक F-16 लड़ाकू विमान खतरनाक हाथों में जा रहा है। अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि वो भारत का विरोध न मानकर पाकिस्तान को F-16 जरूर देगा। यह फैसला भारत के लिए बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को दिए गए विदेशी हथियारों का इस्तेमाल उसने हमेशा भारत के खिलाफ किया है। यह है अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 की ताकत। बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े बड़े टैंक अगर F-16 के हमले की जद में आ जाएं, तो बचना नामुमकिन है। F-16 को फाइटिंग फाल्कन भी कहा जाता है, यानी लड़ाकू गिद्ध। ये लड़ाकू गिद्ध अब अघोषित आतंकी देश पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत ने एतराज जताया, नाखुशी जताई, लेकिन अमेरिका की आंख में धूल झोंक कर पाकिस्तान अपना F-16 लड़ाकू विमान का बेड़ा बढ़ाने में कामयाब होने जा रहा है। अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि वो F-16 विमान पाकिस्तान को देने जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के लिए F-16 विमान काफी कारगर साबित होंगे। भारत को ध्यान में रखते हुए हम क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी संवेदनशील हैं। पाकिस्तान की क्षमता बढ़ाने के लिए F-16 बेहद अहम है। And we're helping Afghanistan and Pakistan to counter violent extremism, and we are encouraging resolution of competing maritime claims in the South China Sea. अमेरिका का कहना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों ने काफी अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका का ये रुख देखकर पाकिस्तान भी बल्ले बल्ले है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को अमेरिकी ऐलान के बाद F-16 दिए जाने का स्वागत किया। भीख में मिली इस मदद ने कंगाल होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को नई ताकत दे दी है। आखिर 4800 करोड़ रुपए कम नहीं होते। यही नहीं, अमेरिका से F-16 के साथ इस डील में पाकिस्तान को बाकी जो चीजें मिलने जा रही हैं, वो भी कम अहम नहीं है। देखिए अमेरिका सरकार की लिस्ट। अमेरिका से पाकिस्तान को 14 ज्वाइंट हेलमेट माउंटेड सिस्टम मिलेगा, 296 किलोमीटर की रेंज वाले आधुनिक रडार, 8 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी मिलेंगे। इन सब में सबसे खतरनाक है ज्वाइंट हेलमेट माउंटेड सिस्टम। इस सिस्टम में लड़ाकू विमान के पायलट के हेलमेट का भीतरी शीशा ही स्क्रीन बन जाता है।
वहीं पर उसे सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। पायलट की आंखों के मूवमेंट को ये सिस्टम पढ़ता रहता है। पायलट को हेलमेट की स्क्रीन पर दिख रहे लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होता है। लक्ष्य की ओर आंख टिकाकर पायलट को ट्रिगर दबाना होता है। आंख और हाथ से मिले निर्देश के बाद विमान का सिस्टम हरकत में आ जाता है। पलक झपकते ही विमान में लगी मिसाइलें लक्ष्य पर हमला करने के लिए बढ़ जाती हैं। ये तकनीक बोइंग कंपनी ने अपने विमानों के लिए विकसित की थी, लेकिन अमेरिका ने इसे लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब यही तकनीक वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि ऐसी हर तकनीक का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ करता रहा है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान उसका रणनीतिक दोस्त है। F-16 विमान देकर यानी नई तकनीक देकर वह मजबूत पाकिस्तान पर यह भरोसा कर रहा है कि वो अपने देश में मौजूद आतंकियों को कुचलेगा, अपने देश में मौजूद आतंकी संगठनों पर लगाम लगाएगा। लेकिन अमेरिका कितनी बड़ी गलती कर रहा है इसका अंदाजा उसे आने वाले वक्त में होगा। पाकिस्तान को मदद करने की अमेरिकी प्रशासन की जिद इतनी ज्यादा है कि उसने अपने सांसदों के भी एतराज को ठुकरा दिया है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की कमेटी के कई सदस्यों ने ओबामा प्रशासन को दो टूक पाकिस्तान की असलियत के बारे में बताया था। इन सांसदों ने कहा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे आतंकियों को खत्म कर रहा है, भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ काम कर रहे आतंकियों की मदद कर रहा है। ओबामा प्रशासन को ऐसा भरोसा क्यों है कि पाकिस्तान हर आतंकी संगठन पर कार्रवाई करेगा? F-16 बेचने से पहले अमेरिका को पाकिस्तान से कार्रवाई के सबूत मांगने चाहिए। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और भारत के खिलाफ काम करने वाले लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में उसे विमान बेचने की हड़बड़ी नहीं दिखाई जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के दोनों शरीफों प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ के झांसे में आकर अमेरिका अपने ही सांसदों के खिलाफ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सवाल ये भी उठता है कि जो पाकिस्तान अपने देश के लोगों के लिए खाने और शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, उसे इतने महंगे हथियारों की जरूरत क्या पड़ती है? दरअसल अमेरिका अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की जमीन को एक बेस की तरह इस्तेमाल करता है। सच ये भी है कि जब जब पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद की है, आतंकी हमलों की वारदातें बढ़ी है। यहां तक कि अमेरिकी संसद में भी यह मुद्दा उठ चुका है। इसके बावजूद एक बार फिर अमेरिका वही गलती करने जा रहा है जो सभी के लिए खतरा है। भीख पर उड़ना कोई पाकिस्तान से सीखे, चाहे डॉलर्स के लिए हाथ फैलाना हो या फिर लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका की चिरौरी करनी, पाकिस्तान माहिर है इस काम में। इसीलिए आतंकवाद से लड़ने के नाम पर वो अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की नई खेप ले रहा है। वो लड़ाकू विमान जिनसे सीधा खतरा हिंदुस्तान को है। 80 के दशक से इसी अमेरिकी भीख पर हवा में उड़ रहा है पाकिस्तान। आतंकवाद का रोना रोकर उसने 80 के दशक से लेकर अब तक 76 F-16 लड़ाकू विमान हासिल कर लिए हैं। अब वो 8 और चाहता है। हैरत की बात ये है कि कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान को सैन्य मदद से इनकार करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब 8 F-16 विमान पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या ये भारत से गद्दारी नहीं है? अमेरिका का दोहरा चेहरा, दोहरी नीति, दोहरा रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक चेहरा तो कहता है कि 21वीं शताब्दी की सबसे अहम मित्रता स्ट्रेटेजिक लेवल पर हिंदुस्तान और अमेरिका की है, और दूसरा चेहरा हमारे ही दुश्मन को एक कारगर और बहुत अहम हवाई जहाज जिसके साथ लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रिसिशन मिसाइल्स उसको दे रहा है। ये तो बड़ा बहुत बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। दुनिया जानती है F-16 विमानों से अपनी जमीन पर पल रहे आतंकवादियों पर कभी बमबारी नहीं करेंगे नवाज शरीफ, तो आखिर विनाश फैलाने वाले और विमान क्यों चाहिए उन्हें? क्या वो भारत को डराना चाहते हैं? क्या ये सच नहीं है कि F-16 विमानों में लगने वाली हर मिसाइल और बम दरअसल
भारत के ही नाम का होता है। ऐसे में अगर ये 8 F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को और मिल गए तो उसकी हवाई ताकत बढ़ जाएगी। ये खबर भारत के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। उससे भी बड़ी बात ये कि अमेरिका ने अपने राजदूत रिचर्ड वर्मा को बुलाकर जताया गया भारत का विरोध भी खारिज कर दिया। शायद अमेरिका की इसी शय पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचता है और खुद के आतंक पीड़ित होने का रोना रोता है। आपको बता दें कि F-16 को लेकर भारत के ऐतराज के बाद पाकिस्तान ने भी आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने यह कहा था कि भारत के पास खुद फौज और हथियारों का बड़ा जखीरा है, लेकिन अमेरिकी आंकड़ों ने तुरंत ही आतंकवाद से लड़ने के लिए F-16 की जरूरत वाले पाकिस्तानी बयान की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान हर अमेरिकी मदद का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने में कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 20 सालों से पाकिस्तान का औसत रक्षा बजट $5 बिलियन का रहा है। इन 20 सालों में उसे औसतन हर साल अमेरिका से $2 बिलियन की सैन्य मदद मिली है। 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की थी और 2010 में ही अमेरिका के अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा 499 सैनिक शहीद हुए। खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति खुलकर कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान को मदद देनी बंद नहीं की तो 2016 में उनका मुल्क तबाह हो जाएगा। साफ है कि अमेरिका से मिले पैसों को पाकिस्तान उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और तो और, भारत में खून खराबा फैलाने के लिए पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के पास से भी अक्सर अमेरिकी साजो सामान मिलते रहे हैं। पिछले साल दीनानगर में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने अमेरिकी उपकरणों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान से आए लश्कर आतंकी अपने साथ अमेरिकी नाइट विजन डिवाइस लेकर आए थे। जांच में पता चला कि ये नाइट विजन डिवाइस अफगानिस्तान से दीनानगर पहुंचे थे। 50 वर्ष से कम से कम हम अमेरिका, जब कभी अमेरिका घोषणा करता है कि वो पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है, हथियार वगैरह, तो हम हमेशा अमेरिका को बताते गए हैं भारत सरकार ने कि ये जो हथियार आप दे रहे हैं इनको, ये किसी और के खिलाफ नहीं, केवल भारत के खिलाफ इसका उपयोग किया जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त 76 F-16 लड़ाकू विमानों की पूरी फौज मौजूद है। आतंक को समर्थन देने वाले इस देश की सच्चाई जानने के बावजूद अमेरिका का फैसला सभी को अखर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान जब भी किसी के आगे हाथ फैलाता है तो अपने लोगों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि विनाश के हथियार के लिए उसकी लार टपकती रहती है। इसकी बहुत बड़ी वजह रही है पाकिस्तान के नापाक इरादे। वो कश्मीर पर बुरी नजर रखता है, उसके यहाँ पल रहे आतंकी हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखते हैं। ये बात अमेरिका को भी मालूम है। इसके बावजूद अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान देकर ये बड़ी गलती दोहराने जा रहा है। पाकिस्तान के आसमान में उड़ते इस F-16 लड़ाकू विमान को देखकर यहां के लोग इतराते हैं, सोचते हैं उनकी वायुसेना कितनी ताकतवर है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान भीख में अमेरिका से मिले हैं। भारत को हर कदम पर धोखा देने वाला पाकिस्तान लड़ाकू विमान तो दूर, छोटे हथियार भी नहीं खरीद पाएगा अगर उसे अमेरिका समेत दूसरे देशों से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाए। लेकिन दशकों तक दुनिया को झूठ बोल बोल कर पाकिस्तान अपने लिए आर्थिक मदद जुटाता रहा। मौजूदा दौर में पाकिस्तान को चला रहे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल राहिल शरीफ के झूठे बयान सुनिए, देखिए कैसे ये पीड़ित का रोना रोते रहते हैं। सानहा दरिंदगी और सफाकी का एक ऐसा वैश्याना अमल है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जंग हमारी जंग है। पाकिस्तान में सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे जो शख्स सेना का जनरल रहा हो, वो यही जताने की कोशिश करता रहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। यही झूठ बोलकर वो दुनिया भर से हथियार जुटाता रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास फिलहाल 76 F-16 लड़ाकू विमान हैं। ये विमान ही उसकी हवाई ताकत की रीढ़ है और इस रीढ़ को सीधे सीधे अमेरिका ही मजबूत करता रहा है। 80 के दशक में पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका से 40 F-16 विमान खरीदे थे, लेकिन 1985 में परमाणु हथियारों से जुड़ी पाबंदियों के चलते विमानों की सप्लाई रुक गई।
90 के दशक में पाकिस्तान ने 28 और F-16 विमान मांगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका को इनकार करना पड़ा। करीब 15 सालों के बाद 2006 में दोनों मुल्कों में फिर 18 आधुनिक F-16 विमानों का करार हुआ। इस करार में जरूरत पड़ने पर 18 और विमान लेने का विकल्प खुला रखा गया। 2010 में पाकिस्तान को 3 F-16 मिले, 2012 में बाकी प्लेन भी पाकिस्तान को दे दिए गए। 2012 में ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 14 पुराने F-16 लड़ाकू विमान भी दिए। 2014 में पाकिस्तान ने जॉर्डन से भी F-16 विमानों की खरीद की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान F-16 विमानों के लिए कितना बेचैन रहा है। उसे ये विमान भारत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी लगते हैं। 2010 में जब पाकिस्तान को F-16 विमानों की खेप मिली थी, तब तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि अमेरिका ने इस बात के लिए पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि वो इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कहां करे और कहां नहीं, यानी आतंक के खात्मे के लिए मिले इन विमानों को पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इट इज देयरफॉर द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। दिस सेरेमनी टुडे इज सिंबॉलिक एंड शोज द US कमिटमेंट। This day is therefore important in the long-term relationship between our two countries. पाकिस्तानी तेवरों के बीच अब पाकिस्तान को F-16 देने का विरोध कर रहे अमेरिकी सांसदों के पास 12 मार्च तक का वक्त बचा है। इस दौरान कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान को किसी भी हथियार की बिक्री पर रोक लगवा दी जाए। हालांकि चुनावी माहौल में इस तरह का फैसला लिया जाना मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वजह जो भी हो, लेकिन आतंकवाद के बढ़ावे में अमेरिका का भी योगदान हमेशा माना जाएगा। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही।